नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। हमारे दिल, दिमाग, फेफड़े और किडनी की तरह हमारा लीवर भी शरीर में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। यह हमारे पेट यानी कि एब्डोमिन के ऊपरी राइट वाले हिस्से में मौजूद होता है। लीवर मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जिस तरह से घर में लगा आरओ या वाटर प्यूरिफायर दूषित पानी में मौजूद सारी गंदगी को फिल्टर करके उसे साफ बना देता है, ठीक इसी तरह हमारा लीवर भी शरीर में मौजूद सारी गंदगी और विषैले पदार्थों को फिल्टर करके हमारे खून को साफ और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर द्वारा किए जाने वाले कई तरह के कार्य पूरी तरह हमारे लीवर पर ही निर्भर करते हैं। चोट लगने पर जख्मों को भरना, शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बनाना, भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को ग्रहण करना, शरीर का वजन घटाना, बढ़ाना या मसल्स का निर्माण करना, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल का बैलेंस बनाकर जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करके रखना, दवाइयों, जहरीले पदार्थों और खराब भोजन के बुरे असर से हमारे शरीर को बचाकर रखने जैसे लगभग 400 से भी ज्यादा काम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारे लीवर से ही जुड़े होते हैं। इसलिए लीवर को हमारे शरीर का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। खान पान में लापरवाही बरतना और शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, इन दोनों ही चीजों का हमारे लीवर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और चूंकि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली पूरी तरह लीवर पर ही निर्भर होती है, इसलिए इसमें आई छोटी से छोटी खराबी भी कई गंभीर समस्याओं और बीमारियों को जन्म दे सकती है। ऐसी कोई भी चीज जिसका काम गंदगी को साफ करना या फिल्टर करना होता है, समय के साथ साथ वह खुद भी धीरे धीरे दूषित होता जाता है। लीवर में आई खराबी के संकेत कई बार इतने साधारण होते हैं कि अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं या समझ ही नहीं पाते कि इनके पीछे लीवर की खराबी भी एक वजह हो सकती है। जब भी हमारे शरीर में छोटी से छोटी गड़बड़ी भी आती है, तो हमारा शरीर उसके बारे में हमें अलग अलग तरह से बताने की कोशिश करता है। ऐसे कई लक्षण होते हैं जिनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा लीवर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। आइए जानते हैं 10 ऐसे संकेतों के बारे में जब हमारा लीवर हमसे मदद की पुकार करता है। अक्सर पेट खराब रहना, बार बार गैस बनना या डकारे आना, खाना ठीक से ना पचना, जी मचलाना या उल्टी जैसा लगना, लीवर खराब होने के सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं। जब हमारे लीवर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो जरा सा बाहर का खाने पर भी हमारे पेट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिसके चलते हमारा पेट अक्सर खराब रहता है और कभी कभी सर दर्द भी होने लगता है। लीवर की कार्य करने की गति धीमी होने की वजह से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी धीमा होने लगता है, जिसके चलते हमारे पेट को खाना ठीक से पचाने में मुश्किल होने लगती है। अगर आपका रोजाना ठीक तरह से पेट साफ नहीं होता या आप पेट से संबंधित समस्याओं से लगातार परेशान रहते हैं, तो इसका संबंध आपके लीवर से भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेट से जुड़ी किसी भी दवाई का पूरी तरह असर नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पीछे की मुख्य वजह लीवर होता है। इसलिए जिन लोगों को बार बार पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, उन्हें एक बार अपने लीवर का चेकअप भी जरूर करा लेना चाहिए। जब हमारा लीवर खराब होना शुरू होता है, तो शुरुआती दिनों में हमें अक्सर ज्यादा थकान और ज्यादा आलस आना शुरू हो जाता है। वैसे लगातार स्ट्रेस और हेक्टिक लाइफ के चलते थकान होना एक आम बात है, लेकिन जब यह रोज रोज होने लगे और कभी कभी शरीर में कमजोरी भी महसूस हो, तो इसका संबंध हमारे लीवर से भी हो सकता है। लीवर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने के कारण उसके कार्य करने की क्षमता कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में मौजूद सभी दूसरे अंदरूनी अंगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हमारा शरीर जल्दी थकने लगता है और इसे ज्यादा आराम करने की जरूरत पड़ने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को रोजाना बहुत ज्यादा थकान महसूस करने की प्रॉब्लम फेस करते हुए 2 महीने से भी ज्यादा समय हो जाता है, तो उसे एक बार अपने लीवर का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। जब हमारे लीवर में विषैले पदार्थों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे लीवर पर लोड भी बढ़ने लगता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से लीवर में मौजूद टॉक्सिन्स शरीर के फैट सेल्स में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे चर्बी बढ़ने लगती है। जब लीवर की खराबी की वजह से शरीर का वजन और चर्बी बढ़ रही होती है, तो ऐसे बढ़ रहे वजन को कम करना एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। इसलिए जिन लोगों को सब कुछ करने के बाद भी एक लंबे समय से बढ़े हुए मोटापे से छुटकारा नहीं मिल रहा, उन्हें एक बार अपने लीवर का चेकअप भी जरूर करवा लेना चाहिए।
ऐसी बहुत सारी खाए जाने वाली चीजें और गलत आदतें होती हैं, जिनकी वजह से मुंह से बदबू आने लगती है। लेकिन कई स्थितियों में मुंह से आने वाली बदबू के पीछे खराब हो रहा लीवर भी एक वजह हो सकती है। हमारा शरीर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करता है, जहां हमारे सभी अंदरूनी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लीवर और पेट की खराबी साथ साथ चलती है, यानी कि लीवर खराब होने पर पेट खराब होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। पेट खराब होने पर हमारी सांसों से बदबू आने लगती है और यह लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सबसे आम और सबसे शुरुआती लक्षण होता है। जब हमें खराब हो रहे लीवर के बारे में पता नहीं चलता या फिर हम इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वह खुद ही अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है। जब दूसरे कामों के साथ साथ लीवर को अपने आप को रिपेयर भी करना पड़ता है, तो ऐसे में वह कमजोर और धीमा पड़ने लगता है। लीवर के धीमे होने की वजह से शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है और बॉडी में मौजूद फ्लूइड यानी कि तरल शरीर के निचले हिस्से में जमा होने लगता है, जो कि पैरों में सूजन पैदा करता है। इस तरह की सूजन को एडिमा कहा जाता है। अक्सर यह घुटनों के नीचे वाले हिस्सों में ज्यादा होती है और इस तरह की सूजन में दर्द नहीं होता है। वैसे तो जब हमारी आंखों और त्वचा का रंग पीला होने लगता है, तो इसे जॉइंटिस यानी कि पीलिया का लक्षण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीलिया खुद अपने आप में लीवर खराब होने की निशानी होती है। कमजोर लीवर शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। बिलीरुबिन हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक पीला पदार्थ होता है। खराब लीवर के चलते शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है और यह हमारी आंखों और त्वचा में पीलापन पैदा करने लगती है। बढ़े हुए बिलीरुबिन को कम करने के लिए हमारा शरीर उसे मल और यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेशाब का कलर पीला, ऑरेंज या ब्राउन नजर आने लगता है। ज्यादातर स्किन में होने वाले एलर्जी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन कई बार त्वचा पर होने वाले लाल निशान, दाद, खाद और खुजली के पीछे खराब लीवर भी एक वजह हो सकती है। जब हमारे लीवर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, तो इसका असर हमारी त्वचा पर भी होने लगता है। हमारी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और अलग अलग जगहों पर लाल रैशेस नजर आने लगते हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी खुजली भी होती है। ज्यादातर इस तरह की एलर्जी हाथों और पैरों में होती है। ऐसी कई हेल्थ प्रॉब्लम और बीमारियां होती है जिनमें हमें भूख लगना कम हो जाती है। लीवर का खराब होना उनमें से एक है। जब हमारा लीवर ठीक तरह से काम नहीं करता, तो इसका असर हमारे पाचन पर पड़ता है। भोजन ठीक तरह से नहीं पचने की वजह से धीरे धीरे भूख कम होती जाती है। डाइट में कमी, बार बार चक्कर आना या फिर खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना खराब लीवर के लक्षण माने जाते हैं। ज्यादातर जब त्वचा पर खून के थक्के जमते हैं या नीला पड़ जाता है, तो यह चोट लगने की वजह से होता है। लेकिन जब यह बिना वजह शरीर पर नजर आने लगे या हल्की पुल्की चोट से ही त्वचा पर नीला पड़ना शुरू हो जाए, तो यह लीवर के कमजोर होने का संकेत होता है, क्योंकि लीवर में खराबी आने से यह हमारी नसों को कमजोर बनाता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा की नसें पहले से ज्यादा उभरी हुई नजर आने लगती है और त्वचा पर नीले निशान आसानी से बनने लग जाते हैं। ऐसे लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह कार को लगातार चलाने पर वह गर्म हो जाती है, उसी तरह कमजोर लीवर भी कम समय में ज्यादा थकने लगता है। थकान की वजह से हमारे लीवर में गर्मी बढ़ती है, जो कि हमारे पूरे शरीर का तापमान भी बढ़ा देती है। गर्मी बढ़ने की वजह से पसीना भी ज्यादा निकलने लगता है। जिन लोगों का लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है, उनके शरीर में हमेशा गर्मी दूसरों के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर आपको अपने लीवर के आसपास वाले एरिया में दर्द होता रहता है, तो यह निशानी है कि आपके लीवर की सेहत ठीक नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि हमारे लीवर में कम से कम 50 से ज्यादा अलग अलग तरह की बीमारियां लग सकती है। कुछ बीमारियां लोगों को बचपन से ही होती है और कुछ खराब खानपान या शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हो जाती है। अगर हमारा लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है, तो इसकी वजह से लीवर के आसपास वाले हिस्सों में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है और कई बार यह दर्द बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है। लंबे समय तक अगर लीवर की खराबी को अनदेखा किया जाए, तो लीवर में सूजन भी आने लगती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे लक्षण जो बताते हैं आपके लीवर की सेहत ठीक नहीं है। अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण नजर आते हैं, तो इन्हें कभी भी इग्नोर न करें। यदि आप या आपके परिवार और मित्रों में किसी को भी लीवर से संबंधित समस्या है, तो इस विषय पर आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनके इस्तेमाल से मात्र 3 दिनों में ही लीवर में मौजूद सारी गंदगी को दूर करके उसे पहले से ज्यादा सेहतमंद बनाया जा सकता है।
इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।